কামাখ্যা নামত বাগেশ্বৰ বাবা, দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে আধ্যাত্মিক গুৰুগৰাকীয়ে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উচ্চ প্ৰশংসা বাবাৰ। তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পোৱাটো অসমৰ ভাগ্য বুলি মন্তব্য বাগেশ্বৰ ধাম মহাৰাজ শ্ৰী ধীৰেন্দ্ৰ শাস্ত্ৰীৰ। পদযাত্ৰা কৰি সনাতন ধৰ্মৰ সকলোকে একেলগে একেলগ কৰিম বুলি মন্তব্য বাবাৰ। লগতে কয় যে দেৱালীত ফটকা ফুটোৱাক লৈ একাংশৰ পৰা বিৰোধিতাৰ সমালোচনা বাগেশ্বৰ বাবাৰ। कामाख्या माई की, बागेश्वर धाम की। आज हम माँ कामाख्या को प्रणाम करने आए हैं। हम 21 नवंबर से 29 नवंबर तक मध्य प्रदेश से यूपी बॉर्डर पार करते हुए 160 किलोमीटर की हिंदुओं को जोड़ने के लिए, धर्म विरोधियों को हिंदुओं की ताकत दिखाने के लिए हम पद यात्रा करने वाले हैं। उसी पद यात्रा के लिए आशीर्वाद लेने हम माँ 10 महाविद्या में, हमारे भारत की भूमि में, असम में विराजमान माँ कामाख्या के दर्शन करने आए। दोहरे हमको दोहरे मापदंड से दिक्कत हुई। जिन्होंने कहा कि दीपावली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, तो हमने ये कहा कि भाई दीपावली पर केवल पटाखे फोड़ने से प्रदूषण नहीं होता, 1 जनवरी को भी आप लोग पटाखे फोड़ते तब भी प्रदूषण होता है, 25 तारीख क्रिसमस डे को भी पटाखे फोड़े जाते तब भी। कुछ बॉलीवुड वालों ने कहा पटाखे फोड़ोगे तो जानवर डर जाएंगे, पटाखे फोड़ोगे तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। उन बॉलीवुड वालों की जब पिक्चर रिलीज होती है तो वो स्वयं जो है पटाखे फोड़ते हैं, उनकी ठटरी बारने के लिए हमने बयान दिया। इसका दुर्भाग्य है असम के भी कुछ क्षेत्रों में, भारत के बिछड़े बिछड़े क्षेत्रों में विदेशी ताकतें बड़ा बड़ा फंड भेजकर सनातनीय हिंदुओं को लालच दे करके भोले भाले हिंदुओं को कन्वर्टेड करते हैं, धर्मांतरण करवाते हैं। यह बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश के लिए अब हमने एक नया उपाय निकाला। हम भारत को जोड़ने के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच को मिटाने के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। उसी के आशीर्वाद लेने के लिए हम तुम्हारे असम में माँ कामाख्या की शरण में आए।